इस बार लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में एक मुद्दा जो सबसे चर्चित रहा वो मुद्दा आरसीपी का है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इस योजना में जो समस्याएं सामने आ रही थी उन्हें कांग्रेस भी अपने कार्यकाल में ठीक कर देना चाहती थी, लेकिन वो इन बाधाओं को सुधारने में असमर्थ रही। वही अब जब सरकार भाजपा की है तो वो भी इस योजना को नए सिरे तेजी से आगे बढ़ाकर किसानों और आम जनता का भरोसा जीतने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी इसे करके पूर्वी राजस्थान में अपनी सरकार की छवि को ठीक करना चाहती है, ताकि आने वाले चुनावों में बीजेपी की छवि और भी मजबूत हो सके, क्योंकि ये योजना भी प्रदेश में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण मानी जाती है। पूर्वी राजस्थान वह इलाका है जहां कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले मजबूत माना जाता है। इस इलाके में सचिन पायलट की जड़ें काफी गहरी है। पायलट खेमे के कई बड़े नेता इसी इलाके से आते हैं। हालांकि देखा जाए तो सीएम भजनलाल शर्मा का गृह जिला भी इस इलाके में ही आता है, तो ऐसे में बीजेपी ये मान रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा इस समस्या का समाधान निकालने में समर्थ होगी और इससे आचा मौका बीजेपी गवाना नहीं चाहती। अब तो इसके लिए बीजेपी ने इस योजना का नाम ईआरसीपी से बदलकर पीकेसी प्रोजेक्ट पार्वती काले सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना कर दिया गया है, और इससे अब पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे।